रानी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। वो कैसे आ गए इतने सब इकट्ठे आज? तेंदुए का हमला करने की वजह से। तेंदुए ने हमला कर दिया? हाँ। इस पे ये भाई के ऊपर और मेरे ऊपर। कौन से गांव के रहने वाले? अंजना कला के। कब की घटना है ये? करीबन आज दोपहर 12:30 की घटना है। 12:30 कैसे क्या हुआ? खेत में पानी चला रहे थे, पानी पीने के लिए रास्ते से जा रहे थे तो अचानक जुआर में से निकल कर भाई पर हमला किया। अच्छा। भाई को छुड़ाने पे मेरे पैर पे भी हमला किया उसने। कहाँ कुछ निशान आएगा उसके? भाई के ऊपर ही है। हाथ अच्छा, टी शर्ट फाड़ दी। सर में भी है। अच्छा, और हाँ ये पंजे के हैं निशान। और इसको छुड़ाने पे तो बताया डॉक्टर को? बताया अभी? हाँ, क्यों नहीं, एंटीबायोटिक लेना है इसमें, क्योंकि भले ही वो घाव नहीं दिख रहा हो लेकिन वो पीछे भी है। इसको छुड़ाने में मेरे भी पैर के अंगूठे पे आया है। अच्छा, और ये अंगूठे पे भी घाव मार है। तो फॉरेस्ट को सूचना की थी तुम लोगों ने? हालांकि मेरे पास सकाराम भाई का फोन आ गया था, मैंने अपने रेंज साहब जो यहाँ पे पुनासा रेंज के हैं उनकी जानकारी में डाल दी थी। बाद वो तत्काल उन्होंने संपर्क किया मुंदी रेंज में और मुंदी रेंज का स्टाफ वहाँ पहुँचा होगा। पहुँचा कि नहीं पहुँचा था? पहुँचा। बाकी कितने लोग पहुँचे वहाँ पे? वो तीन लोग, चार लोग पहुँचे। कौन कौन सर? नाम तो नहीं पता है क्योंकि हमारे को एक सत्यम भाई सक्सेना, एक मृदुल तिवारी और एक और कोई, ये तीन लोगों का स्टाफ गया वहाँ पे। जी क्या चाहते हो अब तुम लोग? हम लोग उसका रेस्क्यू करवा के बड़े जंगल में छुड़वाना चाहते हैं। जरूरी, जरूरी। तो रात दिन खेतों में पानी वालना। जरूरी, जरूरी। क्या कर रही है अब कार्रवाई? क्या कर रहे हैं फॉरेस्ट वाले? वो तो बोल रहे कि यहाँ से भगा देते खेतों में से। अच्छा, वहाँ एक 300 एकड़ की नर्सरी है। अच्छा, उसमें कर देते बोले। नहीं, वो नर्सरी तो गांव में ही, वो वापस आ जाएगा। मैं बात करता हूँ एसडीओ साहब से और उसको अपन किसी बड़े जंगल में छुड़वाएंगे। जी, क्योंकि कारण क्या है कि ये डैम वाला जो जंगल है ना, यहाँ पे बहुत से तेंदुए हैं और वो आ जाते हैं। तो ठीक है, तुम घबराओ मत। सबसे पहले तो भैया को हॉस्पिटल लेके जाओ और वो इंजेक्शन वगैरह लगवाओ उसमें। घाव तो नहीं है लेकिन वो जो पंजे के निशान है ना, वो इन्फेक्शन हो सकता है। दांत भी है ना सर? दांत गड़ा दिए हैं? दांत गड़े हुए ना। और बाप रे, वो तो कभी नहीं, वो तो दिख रहा। वो चार जानी होता तो आज जानी ले लेता इसकी। चलो ठीक है, मैं करता हूँ बात उनसे, एसडीओ साहब से। जी, है ना? जी। और उसको बाहर ही छुड़वाएंगे।